हेलो जी, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 के बारे में। तो देखा जाए तो पुष्पा 2 में क्या क्या होने वाला है, इस चीज का आइडिया हम फैंस को पहले से ही है। मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि पुष्पा ने जो अपना एम्पायर बनाया है उसे उसके दुश्मन गिराना चाहते हैं और वो सब मिलकर पुष्पा को मारना चाहते हैं। मतलब बेसिकली पुष्पा 2 में हमें यही सब दिखने वाला है। अब सीन ये है कि हम फैंस जब भी पुष्पा का नाम सुनते हैं तो हम उसे KGF से कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे हमने पुष्पा पार्ट 1 के टाइम पे किया था, हमने उस टाइम पे भी पुष्पा को KGF चैप्टर 1 से कंपेयर किया था और अब जब KGF चैप्टर 2 इतना खतरनाक बन गया है तो पुष्पा 2 को KGF चैप्टर 2 से कंपेयर करना तो बनता ही है। तो देखो, KGF के मेकर्स ने अपने मूवी में संजय दत्त जैसे खतरनाक खिलाड़ी को अधीरा बना दिया था, तो पुष्पा के मेकर्स को भी कुछ ना कुछ खतरनाक विलन चाहिए। और इसी चीज से जुड़ी हुई एक न्यूज बाहर आ रही है कि इंडिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर विजय सेतुपति हमें पुष्पा 2 में दिख सकते हैं। हां, मैं वही मास्टर मूवी के विलन की बात कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि विजय सेतुपति ने मास्टर मूवी में कितनी खतरनाक एक्टिंग करी थी और वो एक विलन के गेटअप में कितने औसम और खतरनाक लगते हैं। तो ये न्यूज बाहर आ रही है कि विजय सेतुपति हमें पुष्पा 2 में दिख सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे। तो इसी न्यूज से हमें ये भी पता चला है कि विजय सेतुपति पुष्पा के वन ऑफ द प्राइम विलन भंवर सिंह के साथ मिलकर पुष्पा के एम्पायर को गिराएंगे। लेकिन अभी भी हमें ये बात समझ नहीं आई कि विजय सेतुपति का इंट्रो पुष्पा की दुनिया में कैसे होगा। तो एक फैन के हिसाब से पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों की सप्लाई का बादशाह तो बन चुका है, लेकिन पुष्पा का पेट इतने पैसों से भी नहीं भरेगा। वो किसी और बिजनेस में भी अपने हाथ पैर मारेगा और उस बिजनेस के सुल्तान होंगे विजय सेतुपति। और ये बात तो बहुत क्लियर है कि वो बिजनेस भी इलीगली होगा, और क्योंकि वो बिजनेस इलीगल है तो उसका कनेक्शन सीधा भंवर सिंह से होगा और भंवर सिंह विजय सेतुपति से पहले से ही रिश्वत लेते होंगे, तो उनकी दोस्ती पक्की होगी। इसलिए भंवर सिंह और विजय सेतुपति मिलकर पुष्पा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और पुष्पा इन दोनों से लड़ेगा। साथ में वहां पर लाल चंदन की लकड़ियों के बिजनेस में मंगलम श्रीनु आके पुष्पा को हटाना चाहेंगे और मंगलम श्रीनु के साथ होगी उनकी वाइफ भी, जो कि दिखने में ही बहुत खतरनाक लगती हैं। तो पुष्पा 2 मूवी में हमें एक सीन ऐसा दिखेगा जहां पे पुष्पा के हाथ से सब कुछ निकल रहा होगा, सेम वैसे ही जैसे KGF चैप्टर 2 में रॉकी के साथ हुआ था। लेकिन बाद में हमारे हीरोज जीत ही जाते हैं और पुष्पा 2 में भी ऐसा ही होगा, पुष्पा इन सबको संभाल लेगा। तो अब अगर पुष्पा इन सबको संभाल लेगा तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हमें पुष्पा 3 भी दिखेगी। तो ये तो थी एक फैन थ्योरी। ये सही भी हो सकती है और गलत भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ फैंस हैं और हम लोग सिर्फ फैन थ्योरी बना सकते हैं। बात रही विजय सेतुपति की पुष्पा मूवी में होने या ना होने की, तो ये भी एक लीक है और लीक पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, इस चीज पे हम सबके कमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप विजय सेतुपति को पुष्पा 2 के मेन विलन्स में देखना चाहते हैं या नहीं। साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, पुष्पा पार्ट 3 आएगी या नहीं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।